गोश्स मार्केट इक्बरीम इन एन ओपन इकानी स्टूडेंट्स लास्ट मॉड्यूल्स में हम बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की अकाउंटिंग को समझ चुके हैं इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बॉरिंग एंड लैंडिंग पर बात कर चुके हैं तो अब हम ओपन इकॉनमी में गोश्ड मार्केट इक्ब्रियम को डिस्कस करेंगे इक्ब्रियम का तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि जब डिमेंड एंड सप्लाई आपस में बराबर होते हैं तो हम ये बात जानते हैं कि सप्लाई को तो हम वाई से डिनोट करते हैं ठीक है और दिस इज़ इक्वल टू आप कह सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है दिस इज आइडेंटिकली इक्वल टू सी प्लस एस अगर टू सेक्टर मॉडल है तो सी प्लस एस गवर्नमेंट को शामिल कर देंगे तो जो कुछ हमने अर्न किया है उसमें से कुछ गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस और अगर ओपन इकोनॉमी की हम बात करेंगे तो हमने जो कुछ अर्न किया था उसे हम स्पेंड कर रहे हैं ऑन सम इम्पोर्टेड गुड्स तो दिस इज अ सप्लाई साइट ऑन डिमांड साइट क्या होगा कंजम्पशन से डिमांड जनरेट होगी इन्वेस्टमेंट से होगी सी प्लस आई गवर्नमेंट स्पेंडिंग से होगी एंड फाइनली हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी मुल्क में पैदा होने वाले गोड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जनरेट करेंगे सो दिस इज़ द डिमांड साइड ओके एग्री डिमांड और ये आपके पास सप्लाई साइड है तो इन दोनों की इक्वाली जो है ये गोश्स मार्केट को एक में लाएगी तो अब हम देखते हैं इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि सेविंग इज इक्वल टू आई प्लस सी ए आई फॉर इन्वेस्टमेंट सी ए फॉर करंट अकाउंट ओके सो अगर आप इन इनको इक्वल करेंगे तो ये सी सी के साथ कैंसिल हो गया ओके okay. और हम अज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का बजट बैलेंस है गवर्नमेंट जो टैक्सेस से अर्न कर रही है उतनी स्पेंड कर रही है सो टी इज इक्वल टू जी तो इसको रीअरेंज करने से यू कैन राइट इट एस सेविंग

दिस एस इज द नेशनल सेविंग और इस साइड पर दो चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट एंड करंट अकाउंट सो इंक्रीज़ इन कैपिटल स्टॉक बाई डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के सेविंग के अब दो दो यूजेस हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन ठीक है नेशनल सेविंग को हम यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक इन द कंट्री और सेकेंड इसका यूज़ क्या है टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नेट फॉरन एसेट्स बाई लैंडिंग टू फॉरनर्स ठीक है लास्ट मॉड्यूल में हम बात इस पर कर चुके हैं कि करंट अकाउंट जो सरप्लस है दिस इज इक्वल टू एक्चुअली द नेट फॉरन एसेट्स की एक्जिशन के इक्वल होता है और या, या ये हमारी नेट लैंडिंग के इक्ल है लास्ट मॉड्यूल में इस पर हम बात की सो so सेविंग जो नेशनल सेविंग है इट शुड भी इक्वल टू आ प्लस सी ए ओके okay. सो so, इस अज्यूम में हम इस डिस्कशन में हम अज्यूम कर रहे हैं कि नेट फैक्टर पेमेंट ज़ीरो है नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर जीरो हैं सो करंट अकाउंट को हम फिर कह सकते हैं कि दिस इज़ सिंपली योर नेट एक्सपोर्ट्स सो सेविंग नेशनल सेविंग इज इक्वल टू आई प्लस नेट एक्सपोर्ट्स करंट अकाउंट को हम रिप्लेस कर रहे हैं बाई नेट एक्सपोर्ट्स से उस उन के तहत हम कह रहे हैं नेट फैक्टर पेमेंट जीरो हैं और नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर जीरो हैं सो टू गेट गुड्स मार्केट इन इक्विलिब्रियम नेशनल सेविंग एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट मस्ट इक्वल एट द डिजाइड लेवल सो इक्विलिब्रियम की ये तो है एक्चुअल की बात ठीक है तो एट इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए डिजायर्ड सेविंग शुड बी इक्वल टू द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स सो इसी इक्वेशन को हम अगर दूसरी तरह से लिखना चाहें एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई की फॉर्म में जो अभी हमने बात की थी मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया सो वाई एग्रीगेट सप्लाई है सो दिस इज द एग्रीगेट डिमांड डिजायर्ड कंजम्पशन डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स सो रीअरेंज करने से नेक्स्ट एक्सपोर्ट किसके इक्वल आ रहा है वाई माइनस सी डी प्लस आई डी प्लस जी तो वाई इज़ द टोटल आउटपुट ऑफ़ द कंट्री एंड ये पैरेंथिस में सी डी प्लस आई डी प्लस जी इसे हम कहते हैं दिस इज़ द टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंट्री कि हमने जो प्रोड्यूस किया था डेट इज़ वाई और जो हमने स्पेंडिंग की है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पन इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जो फॉर्म ने की है और गोर्नमेंट जी दिस इज़ द टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ द टोटल स्पेंडिंग ऑफ द कंट्री सो so, ये हमने टोटल प्रोड्यूस किया था बाय और ये हमने टोटल स्पेंड कर दिया तो दिस डिफरेंस इज़ इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स सो इफ दिस डिफरेंस इज़ पॉजिटिव दिस इम्प्लाइज नेट एक्सपोर्ट विल बी पॉजिटिव क्या मतलब हुआ कि हमने जो प्रोड्यूस किया था और जो हमने स्पेंड किया अगर उससे कम किया प्रोड्यूस ज़्यादा किया था और स्पेंड हमने कम किया है तो हमारी नेट एक्सपोर्ट हमारी पॉजिटिव में हो जाएंगी नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव होने का मतलब मैंने आपको समझाया कि इसका मतलब यह है कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस में है ओके आपके फॉरेन एसेट्स की एक्विजिशन में इजाफ़ा हो रहा है और आप फॉरेन लैंडिंग कर रहे हैं सो so, ये सूरत में होगा जब आपने जो प्रोड्यूस किया है वो ज़्यादा है और जब जो आपने टोटल स्पेंड किया है ये उससे कम है वाइस वर्सा अगर ये उलट सूरत हाल होगी तो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव में होगी ठीक है जब हम खर्च ज़्यादा करेंगे प्रोड्यूस कम करेंगे तो इसके इसके नतीजे में क्या होगा नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव में चले जाएंगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेज उसकी इम्प्लीकेशन मैंने आपको बताई कि उसके नतीजे में क्या होगा कि आपके फॉरेन आपको बॉरिंग करना पड़ेगी ओके और इस तरह से आपके फॉरेन एसेट्स जो हैं वो उनमें कमी वाक हो जाएगी थैंक यू वेरी